पाटलिपुत्र सीट मीसा दीदी का है। भाई वीरेंद्र क्यों दावा? अरे छोड़िए भाई वीरेंद्र को, भाई वीरेंद्र का औकात क्या है, इसको पूरा। लेकिन भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं। मौका क्या चीज दिया जाएगा? मीसा दीदी रात रात दिन एक महिला होने के नाते पूरा मेहनत कर रही है सीट पे। लेकिन ना लालू यादव जीते ना मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य है। लालू यादव भी खड़े हुए थे, वो भी नहीं जीते, मीसा भारती भी नहीं जीती। सब जीतेगा, मीसा दीदी जीतेगी। मीसा जी राज्यसभा की सदस्य है, फिर कैसे लोकसभा में चुनाव लड़ेगी? कहाँ नहीं लड़ेगी, इस्तीफा देंगी क्या राज्यसभा से? लड़ेंगी चुनाव, कहाँ नहीं लड़ेगी चुनाव, वहाँ का जनता चाह रहा है, जनता जो चाहेगा वही ना होगा। हाँ, पूरा सपोर्ट में है मीसा दीदी के। यानी भाई वीरेंद्र का दावा खोखला है? अब भाई वीरेंद्र क्या है, भाई वीरेंद्र का क्या है, भाई वीरेंद्र को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए उनको घबराहट हो रहा होगा। पाटलिपुत्र सीट मीसा दीदी का है। भाई वीरेंद्र क्यों दावा? अरे छोड़िए भाई वीरेंद्र को, भाई वीरेंद्र का औकात क्या है, इसको पूरा। लेकिन भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं। मौका क्या चीज दिया जाएगा? मीसा दीदी रात रात दिन एक महिला होने के नाते पूरा मेहनत कर रही है सीट पे। लेकिन ना लालू यादव जीते ना मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य है। लालू यादव भी खड़े हुए थे, वो भी नहीं जीते, मीसा भारती भी नहीं जीती। सब जीतेगा, मीसा दीदी जीतेगी। मीसा जी राज्यसभा की सदस्य है, फिर कैसे लोकसभा में चुनाव लड़ेगी? कहाँ नहीं लड़ेगी, इस्तीफा देंगी क्या राज्यसभा से? लड़ेंगी चुनाव, कहाँ नहीं लड़ेगी चुनाव, वहाँ का जनता चाह रहा है, जनता जो चाहेगा वही ना होगा। हाँ, पूरा सपोर्ट में है मीसा दीदी के। यानी भाई वीरेंद्र का दावा खोखला है? अब भाई वीरेंद्र क्या है, भाई वीरेंद्र का क्या है, भाई वीरेंद्र को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए उनको घबराहट हो रहा होगा।